हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज हम देखने की लैपटॉप में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आया है, जैसे कि आपके सामने ये देख सकते हैं। लैपटॉप में जब चालू कर रहा हूँ तो ये ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हैं। मैं डिस्प्ले को हिलाऊं तो ये ब्लिंक करता है, कई बार ठीक हो जाता है। जैसे कि डिस्प्ले को मैं पूरी तरह से अगर 180 में ले जाऊँ, देख सकते हैं, तो डिस्प्ले ब्लिंक करना छोड़ दे रहा है। और उसके बाद मैं फिर से ऊपर लाता हूँ तो फिर ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसके लिए हमें लैपटॉप खोलना पड़ेगा। तो लैपटॉप ओपन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम किस चीज़ का है, और वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऊपर का पैनल खोल लिया दोस्तों, ये डिस्प्ले पैनल आप देख सकते हैं। लैपटॉप ओपन करते हुए मैंने नहीं दिखाया। डिस्प्ले के पीछे देख सकते हैं आप, एक केबल लगा हुआ रहता है जिसे LVDS केबल बोलते हैं, ये देखें। तो इसमें हो सकता है मॉइस्चर वगैरह की वजह से भी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिस्प्ले के LVDS केबल को डिसेबल कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक टेप लगा हुआ है, इस टेप को चलिए ओपन कर देते हैं। ये टेप ओपन करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपका 40 पिन का LVDS कनेक्टर। ये हो सकता है आपका 30 पिन का भी हो। तो हमें क्या करना है, ये जो कनेक्टर है और ये कनेक्टर है LVDS का, इसे हमें पेट्रोल से, ये देख सकते हैं कॉटन में मैंने पेट्रोल डाल दिया है, इसे सिंपली इसे साफ़ कर देना है। आप चाहें तो आइसोप्रोपाइल से साफ़ कर सकते हैं, एल्कोहल से साफ़ कर सकते हैं। मैं इसे इस कॉटन में पेट्रोल डाल के साफ़ कर दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अलग है, आप अच्छे से साफ़ करें इसे। ये देख सकते हैं ये साफ़ हो गया है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। केवल ये देख सकते हैं, साफ़ करने के पेट्रोल डालने के बाद, ये नॉर्मल कॉटन है, नॉर्मल कॉटन से भी एक बार साफ़ कर दीजिए। हीट वीट नहीं मारना है दोस्तों आपको, हीट मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट हीट नहीं मारना है। कई बार ओवर हीट कर देते हैं लोग, जिसकी वजह से डिस्प्ले ही ख़राब हो जाता है। तो ये देख सकते हैं क्लीन हो गया है, ये जूम करके दिखा दूं मैं। जूम करने के बाद देख सकते हैं आप, डिस्प्ले केबल जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब चलिए इसे दोबारा लगा देते हैं और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए इस कनेक्टर को लगा दूं मैं, उसके बाद आप देखिए सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है करके। ये देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर आपको एक ब्लैक टेप लगा देना है, जैसे कि मैंने ब्लैक टेप लगा दिया। अब हम लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं दोस्तों। ये सिंपली मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है, अब हम करेंगे लैपटॉप को ऑन, उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होता है। अब मैं चलिए लैपटॉप ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर एक बार में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ये देख सकते हैं आप, डिस्प्ले आ गया बिना ब्लिंक करें। बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप घर में बना रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कर लीजिए, अगर आपका डिस्प्ले ओपन हो जाता है तो। और अगर आप शॉप वाले हैं और फिर भी ये ब्लिंक करते रहेगा दोस्तों, तो मेरा कहना ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप LVDS केबल को ही चेंज कर दें, क्योंकि इससे आपका हो सकता है बिज़नेस भी ख़राब हो जाए, आप आधा अधूरा काम करके देंगे तो। तो अगर आपका डिस्प्ले साफ़ करने से होता है तो कस्टमर के लैपटॉप को रखिए, एक दो दिन चला के देखिए, अगर नहीं प्रॉब्लम करता है तो दे दीजिए। अगर एक आध घंटा में प्रॉब्लम कर देता है, फिर से ब्लिंक करता है, तो आप डिस्प्ले LVDS केबल को चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।